नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत, सारस्वत दिशानु क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है राजस्थान की जनगणना 2011 के परिप्रेक्ष्य में, और ये क्लासेस आपको मिल रही है सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 की तैयारी हेतु, और ये जो टॉपिक है दोस्तों ये जनरल सिलेबस है जो आपके सीटी आरएएस या एलडीसी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है, जो कॉमनली सभी एग्जाम्स में भी काम आती है। तो अगर आप राजस्थान की जीके की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा और हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक होता है। तो आज सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि जो आवश्यक जानकारी है, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, इन टॉपिक्स को लेकर अपन यहां पर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनगणना की। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है जिसका कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। बहुत मेन मेन पॉइंट्स अपन लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। आपके जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 100% सही होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। दूसरा है, भारत में सर्वप्रथम जो जनसंख्या हुई वो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई, और भारत में जो दशकीय जनगणना है जो हर 10 साल के अंदर होती है वो कब से चालू हुई? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 से। कब से चालू हुई? 1881 से। 1872 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई है, किसके टाइम पे? लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और जनगणना जो दशकीय है वो लॉर्ड रिपन, ये समझिए कि जो 11 जो हर 10 साल के अंदर होती है उसका रिबन किसने काटा है? लॉर्ड रिपन ने। और कब हुई? 1881 में। भारत की जनसंख्या का महान विभाजक काल रहा 1921, ठीक है। और भारत की प्रथम जातीय जनगणना, इंपॉर्टेंट है, जातीय जनगणना 1931, कब? 1931 को जो जातिगत जनगणना हुई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये दो बार जातिगत जनगणना हुई अभी तक, एक 1931 में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 2011 के अंदर। तो भारत के राजस्थान की जो पहली जातीय जनगणना है वो 1 नवंबर 2011 को हुई। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई है? 1951 को। 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, तो सीधी बात है 1951 को ही होगी ना। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में जनसंख्या का अंकन जो है वो जनगणना का सबसे पहले कहां पर देखने को मिलता है? मुरोत नेणसी की मारवाड़ा परगनारी दिगत के अंदर जो वर्णन है राजस्थान की जनसंख्या का अंकन जो है वो वहां पर सबसे पहले देखने को मिला था। इसके बाद बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की। तो 2011 की जो जनगणना है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, वो अपन यहां पर देखेंगे। तो पहली बात तो 1872 से ये भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है, जो कि किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा चालू की गई थी। और दशकीय जनगणना जो लॉर्ड रिपन के द्वारा चालू की गई थी दोस्तों, कब से की गई थी? 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई, वो कौन सी है? 14वीं जनगणना रही। और स्वतंत्रता के बाद जो कि 1951 में जो पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद हुई, तो 11वीं जो 2011 के अंदर जो हुई वो कौन से नंबर की थी? स्वतंत्रता के बाद 7वीं नंबर की रही। आदर्श वाक्य इस 2011 की जनगणना का रहा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। और इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। किन्नरों की पहली जनगणना जो कि पुरुष में शामिल की गई, ये भी कब? पहली जनगणना है राजस्थान में 2011 में। आजादी की पहली और कुल दूसरी बार ये जाति जनगणना हुई है, मैंने बताया आपको, जो कि 31 के अंदर हुई और फिर 2011 के अंदर हुई। 25 मई 2013 को राज्य जनगणना निदेशालय की ओर से आंकड़े जारी किए गए। किस तारीख को? फाइनल आंकड़े जो है वो 25 मई 2013 को 2011 जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। जातिगत जनगणना में राजस्थान का तो मध्य प्रदेश का तो पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, फिर उसके बाद में जो ओडिशा है उसका आपका तीसरा स्थान है, और चौथे स्थान पे आपका है राजस्थान। तो
तो जनजाति जनगणना में आपका क्या होगा, राजस्थान का कौन सा चौथा स्थान होगा, पहला एमपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ओडिशा और चौथा राजस्थान। इस जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा बना, जयपुर। कौन सा, जयपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए वन लाइनर नोट्स, सारस्वत दिशानु क्लासेज एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो क्लास प्लस की ऐप यूज करके आप वहां पर कोड डालेंगे YDIAJZ और वहां पर आपको ये सभी राजस्थान साइंस के और करंट जीके के वन लाइनर नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अगर कुछ बच्चों को ये होता है कि सर इंग्लिश के क्वेश्चन हम कहां से करें, तो यहां पर आपको दोनों ही मीडियम में आपको जो है नोट्स जो है वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। समथिंग 8000 प्लस क्वेश्चन जो है वो हमने आपको यहां पर दिए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या है 6,85,00,004, ठीक है, 48,437। तो आप लमसम याद कर सकते हैं 6.85 या 6.86 करोड़ याद करना है। इसके बाद आप बात करेंगे पुरुष जनसंख्या की, तो पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़ जो है वो आपको याद कर लेनी है, जो कि है 51.86%। कितनी है, 51.86%। ये आपको 3.55 करोड़ या फिर 51.86% याद करना है, क्वेश्चन आ सकता है। कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो संख्या है वो 3,29,97,440, तो 3.30 करोड़ के आसपास जो है वो महिलाओं की संख्या है और 48.14% का जो वेटेज है। ग्रामीण जनसंख्याओं की अगर मैं बात करूंगा तो 75.1% ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें 5.15 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या गांव के अंदर है और शहरों में है 24.9, मतलब 1.70 करोड़ जनसंख्या जो है वो आपकी कहां पर है, शहरों के अंदर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो जयपुर है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा हो गया, जयपुर। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जो है वो 66.26 लाख के साथ जयपुर, उसके बाद जोधपुर 36.87 लाख, फिर अलवर और फिर नागौर। तो जयपुर जो है वो सर्वाधिक है और न्यूनतम की अगर मैं बात करूंगा तो जैसलमेर में 6.70 लाख, उसके बाद प्रतापगढ़, सिरोही और फिर बूंदी में 11.14 लाख, ठीक है। तो आपको याद कर लेने, सर्वाधिक में जय जय अन, ठीक है, क्या है, जे जे अन है, मतलब जयपुर जैसलमेर जूनियर ये जे जे एन है, तो जयपुर जोधपुर और अलवर नागौर, जबकि जैसलमेर प्रतापगढ़ सिरोही बूंदी के अंदर क्या हो गया, न्यूनतम जिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि में, तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 21.31 है, जो कि 2001 से 7.10% जो है वो क्या आकी गई है, कम आकी गई है। कितनी, 7.10%। तो ये भी पूछा जाता है प्राचीन जनगणना से कितनी प्रतिशत की कमी है, वृद्धि हुई, तो 7.10% की कमी के साथ 21.31% पे चल रही है राजस्थान की वृद्धि दर। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिलों में बात करेंगे तो बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 32.5%, जैसलमेर में 31.8, जोधपुर में 27.7 और बांसवाड़ा में 26.5। जबकि न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिलों की बात करेंगे तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी 15.4% और गंगानगर न्यूनतम 10%। आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो मेन मेन याद रखने हैं, जैसे आपकी कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो सर्वाधिक जयपुर में, तो सर्वाधिक कम कौन सी, जैसलमेर में, और जैसे ही वृद्धि दर की बात करूंगा तो सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर होगी, तो सर्वाधिक न्यूनतम क्या होगी, गंगानगर के अंदर होगी। तो सर्वाधिक वार्षिक दर वाला जिला बाड़मेर होगा और न्यूनतम कौन होगा, गंगानगर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है डेंसिटी होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति की संख्या देखी जाती है, मतलब ये कि किसी इलाके में
इतने जैसे मान लीजिए ये लोग रह रहे हैं और एक इलाके में इस तरीके से लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये लोगों की जो संख्या है वो इस तरीके से है, तो इसको कहेंगे हम जनसंख्या की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर ये जो एरिया निकाला गया है वो 1 किलोमीटर, तो प्रति वर्ग किलोमीटर पे वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या से डेंसिटी निकाली जाती है। तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है दोस्तों, 1 किलोमीटर पे 200 व्यक्ति जो है वो रहते हैं। अब यहां पर नोट करते हैं कि 2001 में, वहां 2001 में 165 व्यक्ति रहते थे, जबकि 2011 के अंदर 200 व्यक्ति जो है वो 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो है वो जयपुर में, मतलब जयपुर के 1 किलोमीटर वर्ग एरिया के अंदर 595 लोग रहते हैं, जबकि जैसलमेर में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 595, 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग तो जयपुर में रहते हैं और 17 लोग रहते हैं जैसलमेर में। तो वही चीज याद कर लेनी है, जयपुर और जैसलमेर। बाकी अगर एक बार फिर देख लेते, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, और न्यूनतम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। आप देखिए लिंगानुपात क्या होता है, 1,000 पुरुषों पे स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको मापा जाता है। तो यहां पर देखेंगे 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, मतलब 1,000 अगर आदमी होंगे तो औरतें 928 होगी उनपे, ठीक है, कितनी, 928, मतलब 72 लोगों की तो शादी भी नहीं होनी इस हिसाब से, है ना, राजस्थान के अंदर। तो यहां पर देखिए कि 2001 के अंदर ये लिंगानुपात था 921, और अब 7 वृद्धि हुई है, 7 लोगों, 7 जो लेडीज की वृद्धि ही हुई है। तो इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो 928, 1,000 पे 928 औरतें जो है वो हमारे राजस्थान में है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करेंगे तो वहां पर कितनी है, 933, कितनी है, 933। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का है, पाली का, 1,003, मतलब पाली के अंदर पुरुषों से ज्यादा क्या है, महिलाएं हैं, जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, और ये पाली के ग्राम की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है। तो यहां पर जो धौलपुर है, धौलपुर में 841, 1,000 पुरुषों पे 841 ही फीमेल है। और अगर दोस्तों स्टेनो की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जुड़ना है सारस्वत स्टेनो टाइपिंग क्लासेस से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड आपके अवेलेबल हैं, नई टेक्निक से और फास्टर तरीके से आपको यहां पर स्टेनो सिखाई जाती है। सारस्वत स्टेनो क्लासेस के जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही जो आपके जो उसके रिजल्ट्स हैं वो आपको सबसे बेहतर मिलने वाले हैं। तो एक बार जरूर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर आप इंस्टीट्यूट विजिट करें, या हमारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाकर भी आप हमारे सॉफ्टवेयर्स को जरूर चेक करें। अधिक जानकारी के लिए 9887060188 पर आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शहरी लिंगानुपात की, तो जहां पर ग्रामीण लिंगानुपात था आपका 933 और कुल लिंगानुपात था कितना, 928, तो कुल लिंगानुपात 928 और ग्रामीण लिंगानुपात 933, तो वही शहरी लिंगानुपात कितना है, 914। और शहरी लिंगानुपात जो सर्वाधिक है दोस्तों वो टोंक के अंदर है 985, और उसी प्रकार ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पे था, पाली के अंदर 1,003, और न्यूनतम जो है जैसलमेर में 807, और वहीं पे धौलपुर में है ग्रामीण के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात। तो राजस्थान में लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक, अब यहां तो अपन ने पुरुष और महिलाओं पे देखा, अब राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर है दोस्तों वहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाएगा। वो अब बोलेंगे सर पाली में था ना, पाली ग्रामीण के अंदर था, ठीक है, पाली कहां पर था, ग्रामीण के अंदर था, लेकिन अब जिलों की बात करेंगे तो पाली ग्रामीण जिला नहीं है, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण जिले हैं, इस बात को क्लियर करना। तो डूंगरपुर जो है दोस्तों वो 994 के साथ में सर्वाधिक लिंगानुपात है, और धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात है 846, और 994 के साथ में सबसे ज्यादा डूंगरपुर चल रहा है।
आप ये समझ लीजिए कि जो डूंगर है वहां पर फीमेल जो है वो ज्यादा सेफ है, और इसीलिए वहां पर जो धीरे धीरे संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। तो शिशु लिंगानुपात में जो 2001 में जो संख्या थी वो 909 थी, और अब जो संख्या है वो 888 है, और कमी क्या आ रही है, 21 की कमी आ रही है। तो शिशु लिंगानुपात जो है वो अब क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब 1000 शिशुओं पे जो बच्चियां हैं वो कितनी है दोस्तों, 888 ही रह रही है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो है बांसवाड़ा में 934, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है, झुंझुनू के अंदर 837। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी चीज है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, 892, और शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है, 874। तो 800 टोटल कितना हो गया 2001 में, 888। और ग्रामीण की बात करूंगा तो 892, और शहरी की बात करूंगा तो 874 जो है वो संख्या आपकी रहेगी। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात क्या होगा, बांसवाड़ा में, और न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर होगा, झुंझुनू में। जबकि शहरों की अगर मैं बात करूंगा तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर होगा, ये राजस्थान में लिंगानुपात की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक अपना हो गया, ये शिशु लिंगानुपात की बात की है। तो शिशु लिंगानुपात हमने यहां पर देख लिया है, सॉरी। और अब बात करेंगे हम राजस्थान की साक्षरता की। देखिए, साक्षरता पे जब आते हैं तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। 7 वर्ष से पहले के टाइम, तो आजकल तो 2-3 साल में बिठा देते, पहले 7 वर्ष से ही आदमी बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए बैठा करता था, और आजकल जो केजी नर्सरी और ये पढ़ते पहले सीधे फर्स्ट क्लास में जो है वो बच्चे को बिठा दिया जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। साक्षरता, आप एक चीज और समझिएगा कि राजस्थान में बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि साक्षरता क्या होती है, एजुकेटेड पर्सन क्या होता है। तो कई बोलते हैं 10वीं 5वीं 8वीं। दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूं, बड़े ज्ञान की बात है मैं आपको देने जा रहा हूं, और आप बड़े चौंक जाएंगे इस चीज को जान के कि क्या सच में ऐसा होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो साक्षरता होती है दोस्तों, साक्षरता का जो पैमाना है वो कोई 5वीं 8वीं 10वीं नहीं है। साक्षरता का पैमाना है कि जो व्यक्ति अपना नाम को लिख सकता है और उसको पढ़ सकता है, सिर्फ वो व्यक्ति जो है वो साक्षर है। मान लीजिए मेरा नाम है प्रमोद, और PRAMOD, इसको मैं बिल्कुल धीरे धीरे हिंदी हो या इंग्लिश हो, या फिर मैंने इसको नाम को ऐसे करके मान लो ये लिखा, और मैं अपने नाम को ही लिख सकता हूं और अपने नाम को ही पढ़ सकता हूं। मान लीजिए ये प्रतिशत लिखा हुआ, ये मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा है ना, मैं इसको लिख सकता हूं, लेकिन मैं अपना नाम लिख और पढ़ सकता हूं अगर, तो मैं क्या हूं, साक्षर हूं। इस बात का आपको यहां पर पता होना चाहिए। चलिए आते हैं साक्षरता की बात करें, तो 66.1% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। 6.7% की वृद्धि हुई है 2001 के कंपैरिजन में। पुरुष साक्षरता जो है वो क्या है, 79.20, 79.20%। टोटल कितनी बताई दोस्तों, 66.1% पुरुष साक्षरता है, 79.20%। महिला साक्षरता है 52.12%, और यह भी बढ़ी है, 8.22% की वृद्धि हुई है। ये पहले और कम थी, अब जाके लोगों में समझ आ रही है, महिलाएं साक्षर हो रही है। ग्रामीण साक्षरता 61.44 है, और शहरी साक्षरता है 79.48। पुरुष साक्षरता और शहरी साक्षरता लगभग समान है। ग्रामीण साक्षरता जो है दोस्तों वो ग्रामीण साक्षरता है 61, महिला साक्षरता है 52, पुरुष साक्षरता है 79, और कंप्लीट साक्षरता है 66.1%। आंकड़े बहुत ज्यादा जरूरी है, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पर इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। सरस्वती स्टेनो क्लासेस के द्वारा आपके लिए ये नोट्स बनाए गए हैं, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होते हैं। तो आपको कुछ भी उतारना नहीं है, फोन में या लैपटॉप में आप अपनी पीडीएफ को खोलकर आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
राजस्थान में जो साक्षरता है वो सर्वाधिक कोटा के अंदर है 76.6% और न्यूनतम है जालोर में 54.9%। तो ठीक है, तो सर्वाधिक कोटा में, फिर जयपुर में, झुंझुनू में, सीकर में, और न्यूनतम बात करूंगा जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। पुरुष साक्षरता की अगर मैं बात करूं, ये तो मेल फीमेल दोनों कंप्लीट साक्षरता की बात है, पुरुष साक्षरता की बात करूंगा तो झुंझुनू, कोटा और जयपुर है सर्वाधिक झुंझुनू के अंदर, और ज्यादा पढ़े लिखे और इसलिए जो लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात वो भी झुंझुनू में कम आ रहा है। न्यूनतम जिलों की बात करूंगा तो प्रतापगढ़ जिला क्या हो रहा है 69.5%, बांसवाड़ा, फिर सिरोही, क्या है सिरोही, मिरोही की जगह सिरोही कर लेना। तो न्यूनतम जिला तो प्रतापगढ़ है पुरुष साक्षरता के अंदर, और सर्वाधिक जिला झुंझुनू है 86.9% पुरुष साक्षरता में, जबकि फीमेल साक्षरता की बात करूंगा तो कोटा में फीमेल साक्षरता सर्वाधिक और जालोर में फीमेल साक्षरता सबसे कम, फिर कोटा, जयपुर, झुंझुनू, जालोर, सिरोही, जैसलमेर का नाम आता है। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो कार्यशील जो जनसंख्या है वो कितनी है 43.7%, जो कार्यशील जो वर्क करती है, ठीक है, तो वो कौन सी है 43.7% जनसंख्या है। सर्वाधिक तो जयपुर के अंदर मिलेगी और न्यूनतम जैसलमेर में मिलेगी, ठीक है, और सर्वाधिक कार्यशील जो जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, ये मिला की जगह जिला कर लीजिएगा, जिला जो है वो प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत प्रतापगढ़ के अंदर ज्यादा मिलेगी। प्रतापगढ़ के अंदर क्या है, आप देखिए यहां पर आपने देखा कि पुरुष साक्षरता में न्यूनतम जिला प्रतापगढ़ है, कहते हैं ना पढ़ाई नहीं करोगे तो कार्यशील ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, एज इट इज याद कर लेना, प्रतापगढ़ में शिक्षा कम थी, पुरुष साक्षरता, इसीलिए कार्यशील जो जनसंख्या है वो ज्यादा है 55.46% और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जयपुर है, क्योंकि पढ़ने में भी तो बढ़िया था, तो यहां पर आपको ये याद कर लेने हैं। और इस तरीके से आपकी जनसंख्या के जो मेन टॉपिक है वो पूरे हुए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन लाइनर नोट्स के लिए आप जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे, जहां से आप जो है वो वन लाइनर नोट्स ले सकते हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूजर सारस्वत इष्टानु ऐप डाउनलोड करेंगे, आईफोन यूजर क्लास ऐप डाउनलोड करके YDIEAJZ कोड को डालेंगे और वहां से आप हमारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान टॉपिक है वो यहां पर समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, राजस्थान की पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वन लाइनर तो दिए ही हैं, साथ में यूट्यूब पे भी आपके लिए मैराथन रखी जाएगी, तो बने रहिए सारस्वत इष्टानु एंड टाइपिंग क्लासेस के साथ में, और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे साथ करिए आप भी मेहनत। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जो है अपने अपने ग्रुप्स में आप जरूर करें, और जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जहां पर आपको ये नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।